हेलो गाइस, आई एम सिद्धांत। अगर आप भी फोन पे का यूज करते हैं, गूगल पे का यूज करते हैं, या फिर आप पेटीएम का यूज करते हैं, या अमेजोन पे का यूज करते हैं, या फिर कोई भी यूपीआई का यूज करते हैं, या आप डेबिट कार्ड का यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। कैसे एक फ्रॉडर आपके साथ फ्रॉड कर लेता है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। और मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि मेरे पास आज एक कॉल आया था जिनमें हमें ये बताया गया था कि आपको कुछ कैशबैक मिले हैं जो आप किस प्रकार लेना चाहेंगे। तो गाइस, मैंने इसका एक पूरा वीडियो बना के रख लिया है जो कि मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो वीडियो दिखाने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए गाइस, ऐसा होता है कि अगर आप फोन पे या गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं तो आपका एक यूपीआई सिर्फ मोबाइल नंबर से बन जाता है। जैसे कि अगर आप फोन पे का इस्तेमाल करते होंगे तो जो भी आपका नंबर होगा @YBL, तो ये जो फ्रॉडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि बहुत सारे नंबर को कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, मतलब कोई भी नंबर ट्राई करते हैं और इस नंबर को अपने जैसे फोन पे गूगल पे में भी यूपीआई के थ्रू वर्क करता है, तो उनको अपने यूपीआई में सेट करता है और देखता है कहीं ये यूपीआई बना हुआ तो नहीं है। और अगर उनको लग जाता है कि ये बना हुआ है तो वो क्या करते हैं, उनको कॉल करते हैं। क्योंकि जब आप किसी के नंबर के साथ यूपीआई अटैच करते हैं तो आप इसका नाम दिया जाता है, तो इस प्रकार उन्हें लगता है देखते हैं करके कहीं कुछ बेनिफिट तो ना मिल जाए। तो वही हुआ आज मेरे साथ। हमें एक कॉल आया और उनमें बोला गया कि सर, आपके नाम पे 1999 का जो है कि आपका कैशबैक आया है, तो आप इस कैशबैक को लेना चाहेंगे और किस प्रकार लेना चाहेंगे। तो जैसे ही मेरे पास ये कॉल आया तो मुझे समझ में आ गया कि चलो, एक फ्रॉडर मिल गया। और मैं सोचा क्यों नहीं इस फ्रॉडर का जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आप भी एक अच्छे से इनसे बच सके। मतलब होता है कि आप भी यूपीआई का यूज करते हैं तो उनका क्या होता है कि यूपीआई यूज करने के बाद आपके पास भी ऐसा कॉल आता है और आप इसमें फंस जाते हैं। आपको लगता है नहीं, ये शायद मेरे में कैशबैक ही आया है, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। देखिए, अगर मान लीजिए कोई कैशबैक आता है तो डायरेक्ट वो आपके अकाउंट में कैशबैक आएगा या आपके वॉलेट में, वहाँ पे पासवर्ड देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे लेकिन जो फ्रॉडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पासवर्ड भी हमसे मांगते हैं कि सर, आप अपना पासवर्ड वहाँ पे लगाइए, उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो चले जाएंगे। तो चलिए हम लाइव आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार मेरे साथ ये कॉलिंग आया था और हमने उसको किस प्रकार बेवकूफ बनाया। मतलब दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये नहीं सोचा कि हम अपने आप को वहाँ पे टैलेंटेड नहीं बता दिया कि हाँ सर, हम जानते हैं आप हमारे साथ फ्रॉड करें, ऐसा नहीं। हम उनके साथ खेले, थोड़ा बहुत खेले। देखिए, आपको कुछ बैकग्राउंड आवाज़ आता होगा, इनको आप इग्नोर कर लीजिए क्योंकि थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आवाज़ आ ही रहा है। तो क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो उनके साथ मैंने कुछ खेला। उनके साथ क्या खेला कि वो जब हमको कॉल किया तो हम उसको इस प्रकार जो मैन बन के उनसे बात किया, मतलब हम मुझे कुछ नहीं आता, मैंने पढ़े लिखे हूँ, जो वो इंग्लिश था डिसलाइन को डिसक्लाइन क्लाइन कुछ ऐसे करके बोला था ताकि उनको लगना चाहिए कि ये बेवकूफ़ है और ये मेरे जाल में फंस रहा है, लेकिन मैं उसको फंसा रहा था। तो उन्होंने जब मुझसे कहा कि सर, आपके पास आया, तो मैंने बोला ठीक है, हम पे करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं कर रहे थे, आपको दिखाएंगे टोटल A to Z आपको दिखाएंगे। तो उनके साथ मैंने कुछ इस प्रकार खेला कि वो भी लगे बंदे कि नहीं भाई, ये मेरे साथ लगता फंस गया और मैंने कोई पेमेंट नहीं किया। तो चलिए, आइए हम आपको मोबाइल में स्क्रीन में जो रिकॉर्डिंग की है उनको हम आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो हो रहा है। फोन पे में आपका कैशबैक आया था, तो बैलेंस को किया था। फोन पे में कैशबैक आया है जी? कितना का? 1999 का। 1999, 2000 का? जी जी। तो हम तो मतलब कुछ किए नहीं है इसमें। क्या बोले? मतलब सर, ये पैसा मतलब क्या बैंक अकाउंट में आया है क्या? ये आपको वॉलेट में दिया गया है नोटिफिकेशन में, ठीक है? और नोटिफिकेशन में बैलेंस डाल दिया गया है जी, तो वो तो सर अपने ना आ जाएगा कि कुछ करना होगा? वहाँ से रिसीव कीजिए। रिसीव करना होगा? नोटिफिकेशन में देखिए 1000 रुपया बता रहा है। बस सर, देख रहे हैं मैसेज, देख रहे हैं कहाँ सर कुछ हो रहा है। देखिए, अभी नोटिफिकेशन मिला होगा, देखिए तो अभी तो इसमें कोनो, हाँ 1000 का आया है सर, बोले 1999 का है, तो सर इसमें 1000 आया है। और मतलब 2 किस्त में पैसा मिलेगा? तो सर यहाँ पे तो क्या आ गया ऑप्शन, पे लेटर डिसलाइन पे पे क्लिक किया। हाँ सर, यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आ रहा है, उसको अपने अकाउंट में सेंड कीजिए। और इसको अकाउंट में सेंड करेंगे। योर डिवाइस इज नॉट वेरीफाई सर, यहाँ तो कुछ, हाँ इसमें तो सर पासवर्ड का ऑप्शन आ गया। हाँ, तो सेंड अपने अकाउंट में सेंड।
करने के बाद यूपीआई पिन मांग रहा है। हाँ सर, वही पासवर्ड मांग रहा है सर। हाँ तो यूपीआई पिन डाल दो। तो सर ये पासवर्ड, हाँ सर डाल दिया। ये तो सर ट्रांजेक्शन फेल बता रहा। क्या बता रहा? ट्रांजेक्शन सर फेल बता रहा, मतलब लिया नहीं। बैलेंस चेक कीजिए, देखिए ऐड हुआ। बैलेंस एक सेकंड सर, नहीं सर इसमें तो 700 रुपये है, अभी तक तो नहीं हुआ है ऐड। पहले इसका बैलेंस कितना था? 700 था सर। अकाउंट कौन सा अकाउंट है इसमें सर? ये स्टेट बैंक वाला है। उसमें आपका मेंटेन बैलेंस रहना चाहिए, मेंटेन बैलेंस कम है, ठीक है जी। 1000 रुपये से कम रहने के कारण आपका नहीं हो पा रहा है, तो उसमें प्रिंट आउट करना पड़ेगा। देखिए प्रिंट आउट मैसेज मिला? मैसेज तो अभी दूसरा नहीं आया कोई भी, अभी तो कोई नोटिफिकेशन में नहीं आया मैसेज। हाँ सर बोलिए सर। प्रिंट आउट मैसेज मिला? देखिए ये फिर तो वो 699 वाला आ गया सर। प्रिंट आउट करने के लिए बता रहा है, पे पे क्लिक करेंगे। यस सर, यहाँ पे पे क्लिक किए तो ये बता रहा ऑन टैपिंग क्या क्या है, डेबिट फ्रॉम सर। यहाँ पे तो सेंड का ऑप्शन फिर से आ गया। हाँ तो पेपर क्लिक करने के बाद सेंड कीजिए, पासवर्ड डाल के ओके कीजिए। लेकिन सर यहाँ तो सेंड हो ही नहीं रहा, ये हाइलाइटेड है ही नहीं सर। ये जो सेंड पर ऑप्शन किया ना, प्रिंट आउट कीजिए उसको, पेपर क्लिक कीजिए। पेपर किया सर क्लिक? हेलो हाँ सर, बट यहाँ पे सेंड आया सर। सेंड में मतलब सेंड पे क्लिक करें तो कुछ आ ही नहीं रहा है सर। इसका दूसरा कोई उपाय बताइए ना सर, इससे तो हो नहीं रहा है। मतलब सर इसमें सेंड हो ही नहीं रहा, सेंड कर रहे हैं सेंड हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे हाइलाइटेड सर, मतलब ये जैसे सेंड किए ना तो यहाँ पे जैसे हाइलाइट है ही नहीं। क्या बता रहा? ये मतलब हाइलाइटेड सर नहीं हो रहा। अभी सेंड का ऑप्शन आया था ना, सेंड किए पास। हाँ तभी तो सर, रुकिए सर, फिर से लगता कोई नोटिफिकेशन आया है। हाँ ये आया और यहाँ पे का ऑप्शन, ठीक है सर। लेकिन सर यहाँ पे जैसे करते हैं तो यहाँ सेंड का ऑप्शन ही नहीं आता है। मतलब वो सेंड आया ना तो वो पे करते, सेंड पे क्लिक करते तो कुछ नहीं आता है। नहीं सर। सर इसमें मतलब हम क्या करते हैं, जाके थोड़ा कुछ पेमेंट डाल देते हैं, उसके बाद सर वो 1000 रुपये तो डायरेक्ट आ जाएगा ना तब। हेलो कह रहे हैं सर, क्या मतलब हम फिर से जाके बैंक में कुछ पैसा डलवा देते हैं, 1000 रुपये से ऊपर कर देते हैं तो 1000 रुपये डायरेक्ट आ जाएगा ना? ये सर हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या बता रहा है। जैसे हम करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन करते हैं पे, पे पे क्लिक किए लेकिन यहाँ सेंड हो ही नहीं रहा है। पासवर्ड ये तो सर 700 रुपये ही है, 700 ही है मेरे अकाउंट में, जो पहले से था उतना ही है, इसमें तो आया नहीं है अभी तक। अभी तो नहीं आया कोई नोटिफिकेशन, देखते हैं सर। हाँ 650 का आ गया। हाँ पे पे क्लिक किया सर, वही बता रहा, पे पे क्लिक किए सेंड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। नेट नहीं चल रहा होगा, कट करते हैं उसके बाद। पता नहीं सर, फिर मतलब नेट तो चल ही रहा, देखते हैं मैसेज वगैरह सब आ रहा है। सेंड का आता है लेकिन वो हाईलाइटेड नहीं है, जैसे सेंड पे क्लिक करते हैं तो कुछ होता ही नहीं, वहीं पे रह जाता है। तो सर हम सोच रहे हैं क्या, हम जाके पहले कुछ पैसा जमा कर देते हैं सर, 400-500 रुपये, उसके बाद हम जो है ना 1000 रुपये से ऊपर हो जाएगा तो आ जाएगा ना सर? तो ठीक है सर, हम जाते हैं अभी थोड़ा बैंक, देखते हैं बैंक निकलते हैं हम जमा करवा के। यही नंबर है ना सर आपका? ठीक, हम नंबर पर कॉल करेंगे सर। तो जैसा कि गाइस आपने देखा कि हम किस तरह इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो और भी ये बेवकूफ़ बनेंगे जब तक ये हमें गुमराह कर रहा है, हम इनको गुमराह करेंगे। हम इस प्रकार इनसे बात किए कि जैसे इनको लगना नहीं चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं, ताकि वो मेरे साथ इस तरीके से लगे उनको कि इनका पेमेंट उनको मिल जाए। तो हम उसके साथ थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट करते हैं,
देखते हैं भाई साहब कहां तक जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि किस प्रकार फ्रॉडर्स ने मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनके साथ ही बहुत अच्छे से खेला। उनको मैंने बताया कि भाई साहब मेरे अकाउंट में पैसा आ ही नहीं रहे जो आप 1000 रुपये भेजे हैं, तो ऐसा कीजिए कि जो आप मेरे पास तो 1000 है नहीं, 699 उन्होंने भेजा था। तो हमने कहा कि चलिए हम 400-500 रुपये और ऐड कर देते हैं, उनके बाद हम यहाँ से फिर से कोशिश करते हैं। तो उनको लगा कि नहीं भाई साहब फिर से करेंगे, और हमको 2-3 बार उन्होंने कॉल भी किया, बट हम ज़्यादातर रिस्पॉन्स नहीं दिए क्योंकि मेरे पास इतना टाइम था उनसे बात करने के लिए। लेकिन फिर भी मैंने आपको ये दिखाया कि किस प्रकार फ्रॉडर आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। दोस्तों आप बच के रहिए। देखिए कोई भी अगर आपके पास कैशबैक आता है तो आपको खुद पता है कि कैशबैक आएगा तो डायरेक्ट वो आपके अकाउंट में ही ऐड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको कोई वहां से कॉल करेगा और ये आपको बोलेगा कि हाँ सर आप अपना सेट कीजिए, पासवर्ड डालिए, ऐसा कुछ नहीं होता। इनसे आप बचिए, नहीं तो देखिए क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हो चुका है। मैंने एक ब्लॉग में भी जो मेरा TS ब्लॉग है उनमें भी एक वीडियो अपलोड किया था जिनमें कि मैंने आपको बताया था कि एक जो लड़का उनके साथ कैसे फ्रॉड हुआ 5000 का। तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि आप बच के रहिए इन सबसे, और इन सबसे बचने के लिए और टेक्निकल बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये सभी आपको मिलते हैं। और आपको पता होगा दोस्तों कि आप नॉर्मल स्टूडेंट से जब ये सब वीडियो देखते हैं तो नॉर्मल स्टूडेंट से कहीं ना कहीं 10% आप ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं नॉर्मल लोगों के मुकाबले। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।